हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम सर्वेइंग के कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में और सर्वेइंग में कितने टाइप्स के स्केल यूज होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सर्वेइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो अर्थ सरफेस पे जो है किसी भी पॉइंट के अबव या बिनिथ, अर्थ सरफेस के अबव या बिनिथ में जो है उस पॉइंट के रिलेटिव पोजिशन के बारे में पता करना सर्वेइंग कहलाता है। और उस पोजिशन के बारे में या तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू पता करते हो या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू। तो इस पोजीशन पोजीशन के साथ साथ इस पॉइंट के एलिवेशन कितनी है, डिफरेंट अलग अलग पॉइंट से इसके डिस्टेंस कितनी है, उन सब का भी पता करना जो है सर्वेइंग के अंदर आता है। और सर्वेइंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? सर्वेइंग के थ्रू जो है आप प्री डिटरमाइंड, अगर आपके पास एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट है तो आप इन प्री डिटरमाइंड मेजरमेंट के हेल्प से जो है एक कोई एक तीसरा पॉइंट जो है एस्टेब्लिश कर सकते हो। ये बेसिक डेफिनेशन है सर्वेइंग की। लेवलिंग भी जो है सर्वेइंग का ही एक पार्ट है। तो लेवलिंग क्या होती है? तो अर्थ सरफेस पे जो है किसी भी पॉइंट के एलिवेशन का पता करना उसके एज्यूम्ड या गिवन डेटम हाइट से लेवलिंग कहलाती है। जैसे आपका अर्थ सरफेस का डेटम है, इसके रेफरेंस में जो है आप किसी पॉइंट की जो है हाइट एलिवेशन का पता, जो कि डेटम के साथ में नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, उसका पता करना ही जो है लेवलिंग कहलाता है। सर्वेइंग जो है दो टाइप की होती है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो प्लेन सर्वेइंग जो होता है इसमें मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिगार्डेड एज प्लेन सरफेस की तरह जो है अर्थ सरफेस को ट्रीट किया जाता है। और जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि अर्थ सरफेस का जो एक्चुअल सरफेस होता है उसको कंसिडर किया जाता है। एक्चुअल से क्या मतलब है यहाँ पे कि प्लेन सर्वे में क्या होता है, अर्थ तो हमारा स्फेयर है और इसमें आपको अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हो तो ये एक आर्क फॉर्म होगा। पर प्लेन सर्वेइंग में जो है ये स्मॉल एरियाज के लिए होता है, लेस देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर के लिए होता है। तो प्लेन सर्वेइंग के केस में ये जो अर्थ सरफेस पे दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लीनियर कंसिडर करते हैं, लाइन मान के चलते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है काफी छोटा होता है। पर इस केस में क्या होता है, ये लेस एक्यूरेट होता है। वहीं जियोडेटिक सर्वेइंग में जो है हमारा एरिया जो होता है वो ग्रेटर देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर होता है, और इसमें जो है दो पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस को है वो एक आर्क कंसिडर करते हैं। और ये जो है इसमें एक्चुअल सरफेस अर्थ की कंसिडर करते हैं, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। प्लेन सर्वेइंग का यूज जो है ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो गए, कोई लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट हो गया, ब्रिजेस, डैम, हाईवे, ऐसे प्रोजेक्ट हो गए तो वहां पे प्लेन सर्वेइंग का यूज किया जाता है। और कहीं पे अगर आपको एस्टेब्लिश करना है कोई कंट्रोल पॉइंट जिसके यूज आप बाद में प्लेन सर्वे के लिए कर पाए तो वो जो है जियोडेटिक सर्वे के अंदर आता है। ज्यादातर ये कंट्रोल पॉइंट जो है सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश करती है। उसके बाद सर्वेइंग के कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो सर्वेइंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट से क्या मतलब है? जैसे कि आपको एक रूम है, इस पूरे एरिया को कवर करना है, तो होल टू पार्ट है कि आपने अपने ये पूरा एक पॉलीगन मिला हुआ है आपको, और इसमें जो आपने किनारे से छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना के जो है मेजरमेंट लेना शुरू किया आपने, तो आपने पहले पूरा कवर किया, उसके बाद इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इसके सेंटर तक पहुंचे, तो ये जो हो जाता है होल टू पार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी जो है आपकी वो बनी रहती है। अगर बाहर के मेजरमेंट्स में कोई इनएक्यूरेसी आ रही है तो उसका इफेक्ट जो है ज्यादा इंटरनल वाले पे नहीं पड़ेगा। अगर आप पार्ट टू होल पे जाते हो काम करने तो अगर इंटरनल वाले मेजरमेंट्स में कोई एरर आया है, इनएक्यूरेसी आई है, तो वो उसका इफेक्ट जो है बाहर वाले मेजरमेंट्स पे भी पड़ेगा। तो इसलिए सर्वेइंग का जो पहला प्रिंसिपल होता है वो होता है कि होल टू पार्ट आपको काम करना है। दूसरा प्रिंसिपल होता है कि लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। तो दूसरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई लीनियर एंगुलर मेजरमेंट है तो उसकी हेल्प से जो है आप एक तीसरा पॉइंट जो है लोकेट कर सकते हो। तो सर्वेइंग के जो है ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हम स्केल का, जिसके लिए आज का ये टॉपिक से रिलेटेड है। तो स्केल क्या होता है? स्केल जो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का रेशियो होता है। ग्राउंड पे आपकी डिस्टेंस क्या है और उस डिस्टेंस को आप मैप पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितने डिस्टेंस में मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन्हीं दोनों के बीच के रेशियो जो है वो स्केल कहलाता है।
जैसे अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लिखते हैं 3 मीटर, तो इसका मतलब है ग्राउंड पे अगर कोई एरिया जो है 3 मीटर का है तो आप मैप पे उसको 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये जो है ये एक स्केल हो जाता है। अब स्केल को रिप्रेजेंट करने के भी 3 मेथड्स हैं, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। तो इंजीनियरिंग स्केल जो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका सबसे आसान है और ये स्टेटमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इजिली आप पढ़ के बता सकते हो कि ग्राउंड और मैप के बीच में क्या रेशियो है। जैसे स्टेटमेंट लिख दिया गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ग्राउंड पे अगर 10 मीटर है कोई चीज तो मैप पे उसको जो है 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद अगला जो आता है हमारा स्केल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसका यूज जो है ज्यादातर कैलकुलेशंस के पर्पज से किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें जो आपका मैप का रेशियो और ग्राउंड का रेशियो जो रहता है वो यूनिट जो है आपकी दोनों की सेम होने चाहिए। इंजीनियरिंग स्केल में जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आ जाएंगे हम तो ये सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो 10 × 100 कर देंगे आप तो 1000 1000 सेंटीमीटर। ये दोनों यूनिट जो है मैप की और ग्राउंड की, ये दोनों जो है सेम यूनिट में होना चाहिए एक रेशियो के फॉर्मेट में, तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे इजिली हम इंजीनियरिंग स्केल को जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक इंजीनियरिंग स्केल का स्टेटमेंट है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, तो 50 मीटर जो इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और ये 1:5000 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आया। अब इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर दो चार तरह के आपको स्टेटमेंट दे दिए गए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर एक हो गया और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 5000 मीटर हो गया, और एक तो RF ही दे दिया गया ऑप्शन में आपको 1:50000, ऐसे करके 3 आपको स्केल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई और इसमें पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा है। तो आपको क्या करना है, ये सारे स्टेटमेंट को जो है RF में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद स्मॉल स्केल को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसका आंसर ये जो अभी मैंने 3 ऑप्शंस लिखे हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद अगला जो टाइप है स्केल रिप्रेजेंटेशन का वो है ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल में क्या होता है कि एक कोई लाइन होती है उसी को हम सब डिवाइड कर देते हैं इंटू प्लान डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू कन्वीनियंट यूनिट्स ऑफ लेंथ ऑन द ग्राउंड। जैसे कि आप कोई प्लान सर्वे हो रहा है कहीं पे, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें आपके पास एक मैप प्लान है और मैप के अकॉर्डिंग जो आपको जो भी कन्वीनियंट यूनिट लग रही है लेंथ की, उसके अकॉर्डिंग जो आपने एक लाइन ड्रॉ की और उसके अकॉर्डिंग मेजर करके जो है एक ग्राफिकल स्केल ड्रॉ कर दिया। ग्राफिकल स्केल से क्या होता है कि रियल टाइम में आपको मैप के किसी फीचर को जो है मेजर करना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं इजिली। पर ग्राफिकल स्केल का एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप कुछ साल बाद इसको यूज करने जाते हैं तो ये स्केल जो है इनएक्यूरेट हो सकता है। अगर पेपर श्रिंक हो गया कुछ सालों में, मुड़ गया है, तो इस स्केल को जो है इनएक्यूरेट माना जाता है ग्राफिकल स्केल को। ये जो 3 थे ये तो स्केल रिप्रेजेंटेशन के 3 तरीके थे, इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। अब स्केल के टाइप क्या होते हैं, तो स्केल के मेनली 4 टाइप्स होते हैं सर्वेइंग में, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो अभी जो इस लेक्चर में हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल क्या होता है, जिसमें जो हम पॉसिबल होता है 2 डायमेंशन को बस मेजर कर पाना किसी भी यूनिट के लिए, जैसे लेंथ मीटर, डेसीमीटर, माइल्स, फरलॉन्ग्स एक्सेट्रा, जो भी यूनिट्स हैं 2 डायमेंशनल में उनको मेजर करने के लिए जो है प्लेन स्केल का यूज होता है। प्लेन स्केल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके बारे में अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल जहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है 3 मीटर है। इस स्केल पे जो आपको 47 मीटर को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे आप, तो कोई भी स्केल अगर आपको ड्रॉ करना है, वो चाहे डायगोनल स्केल के लिए हो, प्लेन स्केल के लिए हो, वर्नियर स्केल के लिए हो, तो सबसे पहले जो आपको मेन 4 चीजें जो है पता होनी चाहिए, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यूनिट टू बी शोन कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी रिप्रेजेंट करनी है और स्केल की लेंथ जो है क्या होनी चाहिए। तो RF जो है आपका हमारे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे RF पे तो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर जो है सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 3 × 100 जो है 300 मीटर। तो RF जो है हमारा 1:300 हो जाएगा। यूनिट टू बी शोन क्या है हमारे पास, यूनिट जो है हमें शो करनी है वो मीटर्स में शो करनी है, यूनिट हमारी मीटर्स है। मैक्सिमम लेंथ कितनी रिप्रेजेंट करनी है, तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 47 रिप्रेजेंट करनी है। अब 47 की बेसिस पे जो हम स्केल की लेंथ, अभी जो हम स्केल ड्रॉ करेंगे प्लेन स्केल,
स्केल की लेंथ जो है इस मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है लेंथ ऑफ स्केल को, जो आपका आरएफ है उससे जो है आप मैक्सिमम लेंथ को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ स्केल जो है मिल जाएगी। तो हमारा आरएफ यहाँ पे है 1/300 और मैक्सिमम लेंथ जो है हमारा 47 मीटर्स में है, पर हमारा आरएफ जो है सेंटीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 4700 हो जाएगा और लेंथ ऑफ द स्केल जो है हमारा 15.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब आपकी स्केल की लेंथ जो है 15.66 आप जो ड्रॉ करेंगे उतनी होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये 15.66 जो है डेसिमल्स में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इससे मैक्सिमम जो है आप ले सकते हैं, तो हम 20 सेंटीमीटर की स्केल ड्रॉ करेंगे, जिससे जो आपको पार्टीशन करने में इजी होगा स्केल को। तो प्लेन स्केल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो आपको एक 20 सेंटीमीटर लेंथ की स्केल ड्रॉ करनी है, तो ये जो है ये हमने 20 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर लिया। अब इसको जो है डिवाइड कर लेना है 6 पार्ट्स में। 6 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो स्केल है ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर का है। हमने जो अभी ड्रॉ किया है वो 20 सेंटीमीटर का किया है, तो 20 सेंटीमीटर में जो है 60 मीटर्स मिल गया हमें, और 60 मीटर को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है 10-10 मीटर के इक्वल ब्लॉक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 6 पार्ट्स में यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो है और इसमें ये जो एक एक पार्ट है आपका 10-10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये टोटल हमारा 20 सेंटीमीटर का है और ये टोटल 60 मीटर का हो गया, तो ये एक एक पार्ट जो है 10-10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब इधर वाला जो पार्ट है ये पहले पार्ट के लेफ्ट साइड वाला, इसको जो है वापस से हमें मीटर्स में, क्योंकि रिप्रेजेंट करना है अपने यूनिट को, तो मीटर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए अभी तो 10 मीटर पे है हमारा और हमें एक एक मीटर के इंटरवल पे जो है अब ये डिवाइड करना होगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक बॉक्स बचा है इसमें जो है हम और 10 पार्ट डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है एक एक मीटर पे डिस्टेंस मिल जाएगी। 10 इक्वल पार्ट पे कर देंगे और हर एक रीडिंग जो है एक एक मीटर पे है। इसके बाद आपको स्केल पे क्या करना है, ये जो सब डिवाइड किया है यहाँ पे 0 रखना है और इसके आगे 10, 20, 30, 40, 50 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में 10। अब रीडिंग कैसे लेनी है हमें, स्केल तो हमने ड्रॉ कर ली, अब हमें मेजर करना है 47 मीटर। 47 मीटर जो है यहाँ से पहले 0 से 40 तक आए, ये 40 मीटर हो गया हमारा, और इधर में जो है आपने एक एक मीटर पे ड्रॉ किया तो इधर में काउंट कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ से लेके और इधर साइड 40 तक, ये जो है हमारा 47 मीटर प्लेन स्केल में रिप्रेजेंट हो गया। ये तो प्लेन स्केल का रिप्रेजेंटेशन है। के बाद अगला जो टाइप है वो है डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल जो है डायगोनल स्केल के थ्रू पॉसिबल है मेजरमेंट जो है 3 डायमेंशनल में। प्लेन स्केल से हम बस 2 डायमेंशनल में मेजर कर सकते थे, पर डायगोनल स्केल से जो है 3 डायमेंशनल में मेजर कर सकते हैं मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर जैसे यूनिट्स को। इसको जो एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट करके समझते हैं हम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ पे जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, ये हमारा स्केल रिप्रेजेंटेशन है। टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर्स, तो हमारा जो है आरएफ मिल गया है, आरएफ यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1:300। और दूसरी चीज जो है हमें यूनिट कौन सी, अभी हमने बात की थी कौन सी चार चार चीजें पता होनी चाहिए, यूनिट्स कौन कौन सी मेजर करनी है, यहाँ पे मीटर और डेसीमीटर, मीटर भी रिप्रेजेंट करना है और डेसीमीटर भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक। एंड शो ऑन दैट 33.3 मीटर और मैक्सिमम लेंथ जो है कितनी रिप्रेजेंट करनी है 33.3 मीटर। तो फिर 33.3 मीटर के लिए जो स्केल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो स्केल की लेंथ जो है हमें आइडेंटिफाई करनी है कैसे, आरएफ को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम मैक्सिमम लेंथ से। तुम्हारा आरएफ जो है 1.300 है और मैक्सिमम लेंथ जो है 33.3 × 100 की सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो ये जो है आपका 11.1 आ जाएगा स्केल की लेंथ। ये भी जो है डेसिमल्स में है तो स्केल ऑफ लेंथ जो है आप 11.1 या उससे मैक्सिमम रख सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर बस आइडेंटिफाई करने आता है कि स्केल ऑफ लेंथ कितनी रखनी होगी तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें जो है अभी डायगोनल स्केल ड्रॉ करनी है, तो 11.1 से ज्यादा यहाँ
पे भी हम 20 सेंटीमीटर लेंथ की एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक 20 सेंटीमीटर लेंथ की स्केल ड्रॉ कर ली है। अब इसको भी जो है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है एक 10-10 मीटर का ब्लॉक मिल जाएगा। हर पार्ट यहाँ पे 10-10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है हमें मीटर्स और डेसीमीटर दो यूनिट्स यहाँ रिप्रेजेंट करनी है। तो अभी पहले यूनिट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको 1-1 मीटर के ब्लॉक पे जो है दोनों साइड से, डायगोनल स्केल में क्या होता है ये ऊपर नीचे दोनों साइड से 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जो कि 10 इक्वल पार्ट्स में जो कि 1-1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो है ये ऊपर वाला जो है नीचे वाले के साथ में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, ये जो है आपको डायगोनल स्केल में डायगोनली कनेक्ट करना होता है। अगर ये 0 है आपका तो 0 वाला जो ऊपर वाले के 1 के साथ होगा, 1 वाला ऊपर वाले के 2 के साथ, तो ऐसे ही करके ये सारे जो 10 लाइन है इनको डायगोनली कनेक्ट कर लेंगे। तो ये जो हमारा मीटर में पार्टीशन हो गया, ये 1-1 ब्लॉक जो है मीटर को 1-1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरी रीडिंग जो है हमें डेसीमीटर रिप्रेजेंट करनी है। तो डेसीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। मतलब कि हमारा ये जो 1-1 ब्लॉक है, ये 1-1 ब्लॉक जो है जो 1-1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 10 और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हमें डेसीमीटर भी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल ब्लॉक्स हैं, तो इनको जो है हम स्केल के पैरेलल जो है यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इधर से जो है हमें मीटर की रीडिंग मिल जाएगी और ये इधर से जो है डेसीमीटर की रीडिंग मिल जाएगी, और इधर वाला जो है ये 10-10 मीटर वाली रीडिंग है। यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट करना है हमें 33.3 मीटर। तो सेम वे में रीडिंग करेंगे, ये जो है जहाँ पे सब डिविजन हुआ यहाँ से 0, 0 के आगे 10, 20, 30, 40, 50 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में 10। तो 33.3 मेजर करना है, तो यहाँ से जो है पहला तो इधर 30 आ जाएगा और 33.3 मीटर्स में भी और डेसीमीटर्स में भी, तो यहाँ पे 1, 2, 3 थ्री की काउंटिंग में जो है आपको मीटर मिल गया। और डेसीमीटर में जो है वर्टिकल वाले ब्लॉक्स हमने डिवाइड किया, डेसीमीटर में यहाँ पे जो है ये 0.3, तो ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहा है ये जो है आपका मीटर और डेसीमीटर में रिप्रेजेंटेशन हो गया 33.3 का। तो डायगोनल स्केल में जो है इस वे से आप कोई भी स्केल को कंस्ट्रक्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अगले क्लास में जो है हम वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।